शहीद पार्क स्थित मनपसंद चिकन सेंटर पर खाद विभाग की कार्रवाई, खाद पदार्थों के सैंपल लिए। श्रीगंज के शहीद पार्क स्थित मनपसंद चिकन सेंटर पर शुक्रवार शाम फूड सेफ्टी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने चिकन सेंटर से खाद पदार्थों के सैंपल भी लिए। खाद अधिकारी राजू सोलंकी ने बताया कि यदि खाद पदार्थों के सैंपल लैब में भेजे जाएंगे, यदि जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। जी दिनांक को एक सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि जो खुले में इस प्रकार का जो चिकन वगैरह बेच रहे हैं, तो उसके तारतम में हमारी टीम यहाँ पे आकस्मिक जांच करने आई थी। तो इनके यहाँ बाहर अंडे वगैरह रखे हुए थे, उन्होंने खुले में इनको निर्देश दिए हैं कि वो सब अंदर रखें और खुले में विक्रय नहीं करें। साथ में हम जब निरीक्षण किया तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत धारा 32 के अंतर्गत जो उल्लंघन है, तो उसमें धारा 32 का नोटिस हम लोग को देंगे। और साथ में दो सैंपल सर्विलेंस में हम लोगों ने जांच में लिए हैं और जैसी रिपोर्ट आएगी विधि विधान के खिलाफ कार्रवाई। किसी प्रकार के जुर्माने की कार्रवाई की? अभी रिपोर्ट आने के बाद अभी एक धारा 32 का नोटिस हम लोग इनको जारी करेंगे। अगर उसको कंप्लाइंट नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रेशन इनका जो है वो भी सस्पेंड किया जा सकता है।